देवउठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। देव उठनी एकादशी का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व दोनों ही विशेष है। मान्यता है कि इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि शुरू किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन दान पुण्य और व्रत करने का विशेष महत्व है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। गन्ने से जुड़े उपायों का इस दिन विशेष महत्व है। गन्ने का रस लक्ष्मी जी की समृद्धि और सुख शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसे पूजा में शामिल करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दिन गन्ने के रस के साथ अन्य सामग्रियों का उपयोग कर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। देवउठनी एकादशी के इस पवित्र दिन पर उपयुक्त उपायों को करने से जीवन में आर्थिक समृद्धि और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसी दिन कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से धन दौलत और सुख शांति में वृद्धि होती है। देवउठनी एकादशी भगवान प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है एकादशी। और इस दिन जो भी लोग भगवान विष्णु के साथ में माँ तुलसी का उनके साथ विवाह करते हैं तो उनके ऊपर विशेष कृपा होती है। और ये कार्तिक के महीने में जो भी लोग प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और माता तुलसी की विशेष रूप से पूजा करते हैं, प्रतिदिन शाम को घी का दीपक जलाते हैं, सुबह दूध और गन्ने के रस से उनका अभिषेक करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके जीवन में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और कार्तिक के महीने में प्रतिदिन शाम को तुलसी माँ के पास दीपक जलाना चाहिए। और देव उठनी एकादशी बहुत ही शुभ है और इस दिन भगवान तुलसी और माता तुलसी और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजा होता है। और इस दिन जो भी लोग विशेष रूप से माता तुलसी की पूजा करेंगे, तुलसी का नारायण से विवाह करेंगे, उनके ऊपर विशेष कृपा होगी। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया की रिपोर्ट।